ये देखो पापा की परियों का डाक, गिर गई गिर गई गिर गई। भाई यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने फांसी लगा रखी है यार। इस कुर्सी पे ऐसा तो नहीं भूल भुलैया की तरह झूलती होगी ऐसे, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज मेरा रिश्ता जो है इन मैडम से नहीं हो रखा होता। ये जो दिख रही है तो सारी करता धरता यही है। कैसा लगा आपको मुझसे मिलकर? तब तो हो गया आज। गो गो बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और एक नए व्लॉग में, और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में और बनाली गांव में। तो जैसा कि दोस्तों आज मुझे यहां पे चौथा या पांचवा दिन है, और आज जो है हम जा रहे हैं प्रताप नगर। और ताजुब की बात यह है कि भाई मुझे इतने साल हो गए गाँव में रहते रहते, इतने बार मैं अपने जो है ससुराल आ चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार भी आज तक कभी प्रताप नगर नहीं गया घूमने। तो आज फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया आज हम लोग जो है प्रताप नगर जाएंगे। वहाँ पे कुछ तीन चार जगह भी हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे फोटो सेशन करेंगे, क्योंकि प्रताप नगर इस समय पे एक जो है टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आप सर्च कर सकते हो प्रताप नगर टूरिस्ट प्लेस, तो आपको पता लग जाएगा। तो वहीं पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे राजा महाराजा की हवेली वगैरह भी है, क्योंकि वहाँ के जो राजा महाराजा थे वहाँ पे रहा करते थे किसी ज़माने में। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मौसम का हाल है, थोड़ा सा आपको मौसम बंद बंद दिख रहा होगा, बट अभी तो फिलहाल थोड़ा खुल चुका है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धुंध लगी हुई थी। ये धुंध का शॉट डाल रहा हूँ, ये सुबह का शॉट है, इसको आप देख सकते हो। तो जैसे आपने शॉट देखा होगा दोस्तों, सुबह के टाइम पे बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कम बारिश हुई थी, बट फिलहाल मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, इसलिए हम लोग बाबू को लेकर नहीं जा रहे हैं। और बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे से मिलने कौन आया, बहुत ही स्पेशल पर्सन मुझसे मिलने आए हैं, वो भी दिखाता हूँ कौन है। और जिस स्पेशल पर्सन के बारे में बात कर रहा था, ये है मेरी बुड्ढी, ठीक है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बनाली में आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आज मेरा रिश्ता जो है इन मैडम से नहीं हो रखा होता। ये जो दिख रही है तो सारी करता धरता यही है, इनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। तो आज जो बुड्ढी है हमारी, आज इनको पता लगा कि हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये भागते हुए हमसे मिलना है। फिलहाल ये भी हमारे साथ प्रताप नगर तक जाएंगी, देखते हैं कैसे सरकमस्टेंसेस बनते हैं। जैसे भी कुछ कहना चाहोगे आप बुड्ढी, कैसा लगा आपको मुझसे मिलकर? खोबा लगने अच्छा, तब तो चलो 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 ठीक है, चले फिर लेट हो रहा है, चलो। देखिए दो सहेलियां आपस में एकदम सुबह सुबह घूमते हुए। ये स्माइल स्माइल करो। सो भाई अभी इसको थोड़ा सा घुमाने लेके आए हैं, देखो ये यहाँ पे आके सुसु कर रहा है कुछ जो भी है। और साथ ही हमारे ये देखो यहाँ पे मौनी भी आ चुकी है, पर यहाँ पे एक बंदा मिसिंग है, इनके हस्बैंड। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? अच्छा वो रास्ते से पिकअप किया जाएगा भाई उन्हें। गो गो बाय। तो चलिए गाइस सफर शुरू हो चुका है, नीचे जाएंगे अब जहाँ पे भैया की गाड़ी खड़ी है। ये भाई इतना बड़ा, ये भाग गया, ये भागा ऊपर। ये मुर्गे इसी की तलाश में तो नहीं गए इसे निपटाने के? सो वेल गाइज, अभी जो आप लोकेशन देख रहे हो ये है प्रताप नगर। प्रताप नगर ये ना मेन मार्केट है ये। तो ये मेन मार्केट है, अभी तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही है। और पीछे आप देख सकते हो हिमानी द ब्लॉगर, बिल्कुल बारिश में उन्होंने चश्मा लगा लिया है, ठीक है। और अभी जो मौनी है और उसके हस्बैंड जो है वो कुछ बैंक में अपना जो है KYC वगैरह अपडेट करवा रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बाबू को ना लाने का डिसीजन था वो सही रहा, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है हल्की हल्की हो रही है। और मौसम आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल धुंध जमी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और बादल इतने ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ पे मौसम ठंडा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हम टी शर्ट पहन के आ गए, हमारा लग रहा है कि गलत डिसीजन है भैया, तो देखो एकदम बिल्कुल ना शर्ट पहन के आ रखे, गरम गरम इनको सही लग रहा है, बट मेरे को ठंड में मेरे को लग रहा हालत खराब हो रही है। और अभी हमने और आगे जाना है, और यहाँ पे देखो प्रताप नगर का मौसम और बिगड़ते हुए, धुंध जो है ज़्यादा ज़्यादा रोड पर भी आ रही है अब धीरे धीरे, देख सकते हो। तो वेल गाइस, फाइनली हम लोग जो है रीच आउट कर चुके हैं यहाँ पे राजा की हवेली पे, बट यहाँ का इतिहास जो है वो बताएंगे भैया। तो हमारे साथ एक गाइड हैं, ठीक है, मिस्टर प्रदीप सिंह रावत, और ये यहाँ के लोकल गाइडर हैं, तो बताएंगे हवेली के बारे में। बताओ भैया,
मतलब कौन से राजा ने सबसे पहले बसाई थी ये हवेली, फिर उसके बाद कौन कौन ने शासन करा यहाँ पे? प्रताप शाह जो थे, हाँ उन्होंने बसाया था प्रताप नगर। अच्छा, वो हुआ ऐसा था, एक बार वो मसूरी चले गए घूमने के लिए, हाँ तो राजा अपने उसमें सेना के साथ जा रहे थे, तो उस समय वहाँ पे उसका शासन रहा करता था अंग्रेजों का। अच्छा, तो किसी अंग्रेज के जो वहाँ पे सिपाही रहा उसने राजा को रोक दिया, तो राजा को ये बुरा लगा, राजा ने उसके एक थप्पड़ मारा और मर गया। अच्छा, हाँ मरा हो गया, चोटिल हो गया, तो जो अंग्रेज शासक था उन्होंने बोला कि राजा को अब यहाँ नहीं आने देंगे मसूरी। तो राजा ने जीत के मारे बोला कि मैं मसूरी से बड़ा शहर बसाऊंगा प्रताप नगर। प्रताप नगर, पर वो हुआ नहीं पाया जितना उन्होंने सोचा। अच्छा, तो वो तो हो गया एक राजा, और दूसरा राजा कौन सा बताया आपने, एक और था वो तो उनके जो बेटे थे, बेटे वगैरह काफी रहे, तो इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। चलो कोई नहीं जी। तो चलिए, हिस्ट्री तो आपको थोड़ा बहुत पता लगी होगी कि क्यों ये यहाँ पे बनाया गया था। फिलहाल थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं और अंदर जाके जो राजा महाराजाओं की जो पुराने जमाने में महल बनते थे उसको देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बनाया गया महल और उसके अंदर कैसे कलाकारी दिखाई गई है। और ये अंदर से हवेली कुछ इस तरीके की दिख रही है, देखो बहुत ही ज्यादा बड़े स्पेस में बनी हुई है। ये बस ये फोन रख दिया गया यहाँ पे और ये रील बननी स्टार्ट, ये देखिए। सो ये अभी गाइज एक नई बात पता लगी है कि जो आपको घर सा टाइप दिख रहा है यहाँ पे कुछ राजा जो है लोगों को दंड और फांसी दिया करता था। और बाकी एक चीज और नई पता लगी है कि ये जो पूरा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इतने में, और ये पूरा जो आपको बीच में फील्ड दिख रही है, और ये जो अभी नया यहाँ पे बना है ये पूरा महल हुआ करता था, बट यहाँ पे बीच में वो था यहाँ पे तालाब, तालाब और तालाब के बाद फिर बाकी का हिस्सा महल का इस तरफ, बट अब यहाँ पे तोड़ के जो है यहाँ पे क्वार्टर्स बना दिए जैसे आपको दिख रहा होगा। भैया हम आ चुके हैं दूसरे महल की तरफ जो आपको ये दिख रहा होगा, जो इससे पहले हमने महल देखा वो राजा का महल था, और ये जो था इसको सुनने में ये आया कि ये रानी का महल था। और ऐसा कहा जाता है कि जो दो गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से दोनों रानियां झांका करती थी, पता नहीं ऐसा कुछ कहा जाता है भाई। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना यहाँ पे खड़े होके जो है पूरा नीचे जो है दिखाई देती हैं चीजें, बट यहाँ पे भी इतना भयंकर मौसम हो रखा है कि सारा मौसम देखो आप बंद हो रखा है, इतनी धुंध लग रखी है, यहाँ से लोग भी आपको थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा बंद हो जाएंगे, इतनी धुंध पड़ रही है यहाँ पे। सो यहाँ से हम पूरा घूम के आ चुके हैं, ये देख सकते हो पीछे की बिल्डिंगें जो है ये पूरी तरीके से खंड हो रखी हैं, टूट रखी हैं, यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता हुआ, बट यहाँ से क्या रास्ता नीचे जा रहा है ये कौन सी जगह है आई डोंट नो, पर दिखने में बहुत ज़्यादा जो है एडवेंचर सा लग रहा है ये। इसमें मुझे इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है इतना तो पता नहीं, बट इतना पता है कि भैया प्रवेश वर्जित है, मतलब प्रवेश आपका एंटर करना अलाउड नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस कि मैं प्रताप नगर आने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड और इन चीज़ों को देख के इसलिए इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत पहले से मन था प्रताप नगर आने का, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ और भी दिखाई, जैसे आप देख सकते हो ये स्कूल ही लग रहा है मुझे, जिसमें सामने लिखा है कि GPS प्रताप नगर TG ऐसा करके लिखा, आई डोंट नो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS, बट ये है कुछ ना कुछ, ये स्कूल है तीन इसका। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी छतरी भी दिखाई दे रही है नेटवर्क की, पता नहीं किस चीज़ की है ये। और ये देखिए गाइज यहाँ पे बहुत बड़ी छतरी यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ के लिए लगाई गई है। बाकी यार गाइज मैं ये बताऊँ कि जिन लोगों को यहाँ पे क्वार्टर्स अलाउड हुए हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफ हम लोगों से फार बेटर है, क्योंकि ऐसी जगह पर रहना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ सामने भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि बाइक्स खड़ी हैं, बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए, ये भी कोई सरकारी आवास ही है क्योंकि आप सामने एक ब्लैक कलर का बोर्ड देख रहे होंगे, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये सरकारी बोर्ड ही है, इसमें कुछ लिखा है डोंट नो क्या है कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पे भाई एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी वीडियोस में। बहुत ही खूबसूरत पेड़ आप धुंध के बीच में देख रहे होंगे, इसकी खूबसूरती में चार चांद इसलिए लग गए क्योंकि धुंध से घिरा हुआ है। तो चलिए गाइस प्रताप नगर आने का जो सबसे मेन मोटिव था वो पूरा होने वाला, अब हम जाने वाले भूतिया महल के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ये क्या रास्ता है, ओह पूरा भूतिया घर भाई, यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने फांसी लगा रखी है। ये देखो भाई फांसी का फंदा, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये जगह जगह छोटे छोटे जो है मकान बने हुए हैं, इनके अंदर आई डोंट नो कि क्या है। ये देख ये कुर्सियां टूटी फूटी पड़ी हैं यार, इस कुर्सी पे ऐसा तो नहीं भूल भुलैया की तरह झूलती हो ऐसे और फिर उसके बाद रुक जाती है। और ये पूरा बीच का एरिया है, ये आप देख सकते हो पूरा टूट गया ये। और ये सबसे जरूरी चीज देखो, ये है संदूक जिसमें आई थिंक मेरे ख्याल से खजाना में
अरे भैया खोलो यार, क्या पता इसमें कुछ मिल जाए हम लोगों को। और ये आपको ऐसा देखने में दूर से ऐसा लग रहा होगा कि इस कमरा है, बट इसके अंदर ना एक जबरदस्त चीज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भैया जाएंगे अंदर, देखो ये देखो सी, और ये है यहाँ की मेन चीज। भैया से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद जो है देखिए हम कहाँ पहुंचे। यार कुछ जलने की स्मेल भी आ रही है, कुछ जलाया है क्या अभी यहाँ पे आ रही है ना? यहाँ पे ना गाइस थोड़ा भूल भुलैया टाइप भी है, हिसाब किताब की कहाँ से घुस रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं। एक छोटी सी खिड़की जो यहाँ से लोग झांका करते होंगे बाहर की साइड, ये देखो। और ये देख सकते हो आप गाइस, पूरा मेड टूट चुका है, नीचे पूरा गड्ढा। और जिसके अंदर अभी मैं चल रहा हूँ ना गाइस, हवेली के अंदर, इसकी जो जमीन है ना उसका कोई भरोसा नहीं कि कब टूट के नीचे चली जाए, ठीक है। ये अंगीठी है जहाँ पे आग जलाई जाती है, यहाँ पे रख के। ये देखो गाइस, अलमीरा वगैरह पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है, और ये बहुत जबरदस्त लकड़ी की बनी है जो अभी तक खराब नहीं हुई है। ये गैलरी दिख रही है, यहाँ पे शाम के टाइम पे राजा रानी क्रिकेट खेलते होंगे या पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे। रानी जब शाम के टाइम बोर होती होगी तो यहाँ से देखती होगी। लकड़ी का बना हुआ या ऐसा खुलता होगा? ओहो, जब रानी का मन करता होगा तो इस खिड़की को ऐसे खोलती होंगी और यहाँ से नजारे देखती होंगी। ये पुराने जमाने की लग रही है यहाँ पे, किसी को आ रही है तो भाई बैठ जाओ। ये गाइस हमें और जगह मिली है जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ कि ये खिड़कियाँ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इस खिड़की से जब मैंने बाहर झांका तो गुंबद जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में दिखाया था कि रानियाँ यहाँ पे बैठती हैं इसमें, ये देखो यहीं पे एक डब्बा ये रहा। यहाँ से जो है रानियाँ झांकती होंगी और शाम के समय नज़ारे देखती होंगी। अभी तो सामने आपको ये बिल्डिंगें वगैरह दिख रही है, बट किसी जमाने में यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता होगा, जानवर होते होंगे यहाँ पे। सो वेल गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि दो रानियां यहाँ से झांकती हैं, तो एक रानी तो मुझे मिल गई, देखो ये यहाँ से झांक रही है। हेलो गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पे रानी दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि रानी तो है नहीं यहाँ पे। और मैं आपको गाइस एक बात बता दूं कि अक्सर मैं आपको वीडियोज में शांति की, मौनी की, और वो क्या उस लड़की का नाम बीना थी जो हमारी बहन जो अब नहीं रही, उसकी स्कूल की फोटो दिखाता हूँ कि भैया स्कूल जाया करते थे प्रताप नगर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौनी ले तो जा रही है हमारा स्कूल दिखाने के लिए, बट आपको कुछ दिख रहा है आगे की स्कूल दिख रहा है आपको? कोई बताओ, इतनी भयानक धुंध पड़ रही है कि अगर दो मिनट मौनी अगर पांच कदम भी चल जाएगी ना तो अभी थोड़ी देर में मौनी भी नहीं दिखाई देगी मेरे को। अब हमें एक छोटा सा वो दिख रहा है यहाँ पे, एंट्री वाला गेट जो होता है बड़ा सा बनाया हुआ, आई थिंक मेरे ख्याल से ये स्कूल का गेट है। देखो हिमानी तो पीछे है पर दिखाई भी नहीं दे रही है, कहाँ है वो, देखो वो दिख रही है अब। सो ये है गाइस, देख सकते हो आप, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मॉडल इंटर कॉलेज प्रताप नगर टीजी। अब ये एंट्री देखो जी, अब ऐसे जाते हैं क्या ये कॉलेज के अंदर लोग? स्कूल खुले हुए हैं क्या अभी ये कॉलेज? और ये देखो हिमानी मोटी फंस गई। ये देखो यार, इतने बदतमीज लोग हैं यहाँ पे, गेट है यानी कि यहाँ से आए, देखो कैसे आ रहे हैं, देखो हम सब गेट से आए प्रॉपर, इसे देखो फंस गई मोटी फंस गई भाई। सो ये देख सकते हो आप, बहुत ही खुली जगह यहाँ पर, और आप धुंध के बीच में से थोड़ी थोड़ी आपको बिल्डिंगें नजर आती हुई। ये क्या है भाई, ये स्कूल है? ये स्कूल है, अच्छा इसी में पढ़ते थे तुम लोग हैं? ओके, ये स्कूल जो है गाइस, ये इसका इनका जो प्रार्थना वाला पॉइंट है वो है, सुबह यहाँ पे इस इतने एरिया में प्रार्थना होती होगी, ये यहाँ पे कुछ झंडा झुंडा लगाने के लिए, बाकी ये स्कूल की एंट्री होगी आई थिंक मेरे ख्याल से। ये देखो गाइस, ये ढूंढ रहे किनगोड़, ये देखो गाइस नाग फनी इसको बोलते हैं, आपका ये नाक की तरह फन फैला के बैठा हुआ है, ये कौन सा पौधा है? कहीं फंस जाओ तुम ना, जहाँ तो पान नहीं तो इसे उखाड़ लो, इसकी जड़ में बहुत रस होता है। बड़ी देर बाद हमारे अलावा भी कोई यहाँ पे दिखाई दिया भैया, ये देखो भाई, ये तो लड़की को अकेले छोड़ के चला गया और बाइक पता नहीं कहाँ, मेरे को लग रहा है बाइक खड़ी करने गया वो। तो चलिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग बैठ चुके हैं, भूख के मारे लोगों के चेहरे उतर गए हैं, यहाँ पे हम एक दुकान में बैठे हैं, चाउमीन खाएंगे अब। लीजिए गर्मा गर्म चाउमीन आ गई है, और इस चाउमीन का एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, और उस टेस्ट का जो मेन वो है सोर्स वो है ये आपकी चटनी। सो भाई फाइनली हम लोग जो है प्रताप नगर से निकल चुके हैं, और यहाँ पर इन लोग को छोटा सा सरप्राइज मिला है कि अब हम लोग जा रहे हैं माजफ, और बाहर का नजारा कुछ इस तरीके से है। और हिमानी तो दिखी नहीं, ये हिमानी देखिए। तो चलिए अब फाइनली हम लोग जब माजफ पहुंचेंगे, जब आपसे मिलेंगे, और रास्ते में आपको खूबसूरत वादियों के दर्शन में वैसे भी कराता रहूंगा।
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुके गाइस, ये है एक पानी का धारा, बोलते हैं शुद्ध पानी पहाड़ों का, शुद्ध पानी। और इसको थोड़ा सा हम लोग पीते हैं और थोड़ा सा हम लोग बोतल में भी भर लेते हैं। ये जो आप तीन ऊपर देख रहे हो ना, ये गाइस ये जा रहे हैं, जो ये कुछ हवाबाजी करने जा रहे हैं ऊपर कुछ। देख रहे हो गाइस बच्चे, देखो भूटिया कुत्ते के लिए घूम रहे हैं। सो गाइस ये जो आप गांव देख रहे हो, ये है आपका माजफ गांव। और यहाँ की खूबसूरती देखो यार, क्या भयंकर कुरेड़ी लगी हुई है पूरा वहां तक, इतना सुंदर दृश्य है। क्योंकि बरसात के मौसम में ना, बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है, जैसे मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो आप, इतनी जबरदस्त धुंध। और गांव तो खैर माजब का ही खूबसूरत देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है गांव पीछे ना। और यहाँ पर अपना दोस्त शेरू बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है ठंडी ठंडी जमीन में। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा मौसम जो है अब बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये धुंध आप देख सकते हो। और उस साइड में तो बिल्कुल ही मतलब खत्म ही है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा राइट साइड में। और पीछे लोगों की कुछ पता नहीं बातचीत चलती हुई यहाँ पर, पता नहीं क्या बात है। और भैया को अभी पता लगा कि भैया की साली पीछे गई है। और ये देखो गर्मियों में इतना कोहरा है, गर्मियों में कोहरा, ये यार ऐसी धुंध तो मैंने कभी भी नहीं देखी है लाइफ में। एक बार हिमाचल गया था वहां देखी थी, पर ये तो इतनी भयानक हो गई है भाई, क्या मौसम हो रहा यार। और भैया देखिए फाइनली बनाली गांव में हो चुकी है बारिश।